इससे पहले कि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीटी 365 का 10th लेक्चर शुरू करूं, आपको मैं यहाँ पे तीन चार बातें बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आप सारे लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि चैनल के सब्सक्राइबर्स जो हैं 1000 क्रॉस हो चुके हैं। ठीक है, व्यू टाइम भी धीरे धीरे बढ़ेगा, काफ़ी बढ़ चुका है। डेली ऑलमोस्ट 20,000 मिनट्स हमारे जा रहे हैं, मतलब आप लोग इसको देख रहे हैं। तो ये हमें बहुत सुकून देता है कि जो हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, आपकी प्रिपरेशन हो रही है। दूसरी बात कि जब आप इस 1000 सब्सक्राइबर में हैं, तो आप हमारे शुरू के सब्सक्राइबर हैं। हमने तो चैनल अभी अभी शुरू किया है, हमारा सडन बूस्ट है ना। पहले तो ऐसे 150 थे, हमने कुछ वीडियोस डाले भी नहीं थे। सडनली अभी PT 365 है, तो हमने सोचा कि लॉकडाउन हो गया है, लोगों को प्रिंटआउट नहीं मिल रहा है, कोचिंग सब कोई अफोर्ड कर नहीं सकते, फिजिकल कोचिंग तो ऐसे भी प्रेजेंट नहीं है, तो क्यों ना इसको वर्चुअल वर्ल्ड में हम इतने अच्छे से पढ़ें कि आपकी सारी तैयारी घर बैठे हो जाए इस लॉकडाउन पीरियड में। तो इसलिए हमने चैनल पर डालना शुरू किया और काफ़ी इफेक्टिव रहा है। सडनली मतलब 800-900 सब्सक्राइबर बढ़ गए और बढ़ते जा रहे हैं डेली। तो इसमें आपका सहयोग है, खाली आपका सहयोग नहीं है, आप जब शुरुआत के सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारी एक एक्सटेंडेड फैमिली हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली हैं। आपकी केयर करना, आपकी प्रिपरेशन होना, आपको एक कंप्लीट पैकेज देना, बस व्यूज़ और लाइक के लिए नहीं, ताकि आपकी तैयारी हो अच्छे से, हमारी ये कोशिश है। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोगों ने लाइक किया है, कमेंट किया, कई लोगों ने ये सारे लाइक कमेंट जिन लोगों ने भी किया है कमेंट वगैरह, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, आपके सेवा में। और मोबाइल में रिकॉर्ड करके मैं सारे आपके कमेंट के, आपका नाम लेके वहीं पे वॉइस में रिप्लाई भी करूंगा आपको बड़े प्यार से। तो आपका पहले पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, आप चैनल के साथ रहिए, हमारे साथ रहिए, क्योंकि अब आप हमारी जिम्मेदारी हैं, एक्सटेंडेड फैमिली हैं। हम सक्सीड करेंगे, आप सक्सीड करेंगे, यही योजना है। बस इतना करना है कि जिस दिन रिजल्ट आ जाए, नीचे आके कमेंट में या पर्सनली टेक्स्ट करके बोल देना है कि भाई हमारा सिलेक्शन हो गया और थोड़े सा तुम भी इसमें पार्टिसिपेंट थे। इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। हमारा कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह चालू नहीं होने वाला, उसका कोई कोई बैकग्राउंड नहीं इसके लिए, हमारे लिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं शुरू कर रहे। बस आपको हमारे साथ बने रहना, पढ़ते रहना, सक्सेस लेनी है और बाद में हमें दुआ देनी है, हमें थैंक्स बोलना है, हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, हमने ये भलाई का काम किया, क्योंकि हम खुद भी एस्पिरेंट है ना। ठीक है, इंटरव्यू दिया, लेकिन प्रीलिम्स तो फिर भी देना होगा, क्योंकि रिजल्ट तो अभी आया नहीं। हम आपके साथ हैं, हम खुद एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट का दर्द समझते हैं। मैंने भी कोचिंग नहीं ली थी, ठीक है, खुद से सब कुछ पढ़ना पड़ा था, तो बहुत गूगलिंग की है। आज वो गूगलिंग काम आ रही है आपको बताने में, क्योंकि आपका टाइम बचता है। तो ये बात हो गई थैंक्स गिविंग की। आप हमारे साथ रहिए, कमेंट वगैरह ज़्यादा करिए, है ना, आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं थ्रेड बना के कमेंट में। दूसरा कि हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, उसका नाम है UPSC PSC कॉरिडोर। आप इसको सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, टिप्स फॉर UPSC लिखिए, चैनल आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें ऑलमोस्ट ऑलरेडी 900 to 1000 लोग हो चुके हैं। वहाँ पे हम नोटिफिकेशन तो डाल ही रहे हैं, लेकिन हम साथ ही में क्विजेज़ भी डाल रहे हैं। आशीष जो है वहाँ पे 25-50 क्विजेज़ डाल रहे हैं इनसाइट्स वगैरह के, वहाँ आपके साथ बैठे तैयारी हो जाएगी पोल वाले मोड में आराम से। तो प्लीज़ चैनल को यहाँ पे आप टेलीग्राम ज्वाइन करके सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। टिप्स फॉर UPSC आपकी भलाई के लिए होगा, यहाँ पढ़ाई होगी, वहाँ पे प्रैक्टिस होगी। ट्रांसपेरेंसी में मैं बिलीव करता हूँ। कल को आपका अपना मैं यूट्यूब अकाउंट भी दिखा दूंगा। आज को आप ये देख लो कि हमारा टिप्स फॉर UPSC या UPSC PSC कॉरिडोर जो है, ये चैनल रहा। ऑलरेडी 931 मेंबर्स हो चुके हैं, अभी अभी चैनल बना था। इसमें हम देखिए डेली न्यूज़ आपके आर्टिकल्स जो हैं, GS1 GS2 GS3 सब डिवाइड करके डाल रही हैं, एक मैम डाल रही हैं, काफ़ी अच्छा डाल रही हैं। खाली यही नहीं है, हम ये डालने के अलावा आपके लिए क्विजेज़ भी यहाँ लेकर आए हैं। देखिए, पहले तो मैंने आपको थैंक्स बोला क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हो गए, और देखिए इस पे मटेरियल भी डाल रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह का। यूट्यूब के नोटिफिकेशन तो जाए दिए, देखिए क्विजेज़ हैं, है ना, ये क्विजेज़ यहाँ पे चल रहे हैं। 25-25 क्वेश्चन जो हैं आशीष डाल रहे हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे टाइगर रिजर्व के बारे में, टाइगर स्ट्रीक क्या था, रोम कर रहा था कॉन्टिगुअस एरिया में महाराष्ट्र में, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करो, कहाँ पे हुआ था ये, तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन से अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आ जाइए UPSC PSC कॉरिडोर में, और टिप्स फॉर UPSC आपको सर्च करना है, या फिर UPSC PSC कॉरिडोर करेंगे तो भी आ सकते हैं, तो यहाँ से जुड़ जाइए। कल को फैमिली थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम आपके लिए, देखिए मेरा कुछ नहीं बनेगा, जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा एस्पिरेंट्स ऑफ UPSC PSC कॉरिडोर। ठीक है, एस्पिरेंट्स ऑफ UPSC PSC कॉरिडोर, क्योंकि आप सब हमारे बराबर हैं, फैमिली हैं, तो एक ग्रुप बना देंगे। बाद में अगर आप डिमांड करेंगे तो वो भी आपको कमेंट में लिखना है, तो वहाँ से आप सारे लोग जुड़ जाइए, आपस में डिस्कशन करिए, जो भी आपने यूट्यूब पे पढ़ा लिखा, जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम भी है, इमोशनल प्रॉब्लम भी है, किसी का ब्रेकअप हो गया, शेयर विथ अस एवरीथिंग एंड प्लीज सक्सीड। दैट्स द ओनली मोटिव, दैट्स द ओनली थीम। थर्ड बात ये कि बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि ये एनफ है क्या? नो, ये एनफ नहीं है PT 365। इसलिए तो हम आपको शंकर का भी इनपुट डाल रहे हैं, बोल रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम वहाँ से भी पढ़ाएंगे, इसलिए तो हम आपको लक्ष्मीकांत भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
सारा कुछ इसमें PT 365 में पॉलिटी नहीं हो जाएगी ना, वो तो करंट अफेयर है। दूसरा, इसमें मंथली का कुछ कुछ नहीं होता, तो हम आपको बाद में सारा इनपुट कर देंगे। अभी मैंने आपको शंकर से सेटेलाइट वगैरह इसलिए पढ़ाया क्योंकि वो जो है कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। बाद में जो ईजी टॉपिक आएंगे, जैसे मतलब एग्रीकल्चर वगैरह आ गया, साइंस से रिलेटेड कुछ मेडिसिन वगैरह आ गई, तो वहाँ कुछ ज़्यादा इनपुट नहीं करना होता, तो हम बाद में शंकर को अलग से निकाल के पूरा ही पूरा जो भी एक्सक्लूसिव मटेरियल है शंकर में वो यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, लेकिन आप PT 365 करिए तो यहाँ से करिए, वीडियो से करिए। अगर आप टेक्स्ट करेंगे खाली तो आपकी बहुत चीज़ें छूट जाएंगी। मैं बहुत वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, मेहनत कर रहा हूँ मैं, पढ़ रहा हूँ, गूगल कर रहा हूँ, इमेजेस ला रहा हूँ आपके लिए, तो इसका यूटिलाइजेशन करिए। आप यहीं से करिए अपना PT 365, साथ में वैल्यू एडिशन हम करते जाएंगे और आपकी प्रीलिम्स की तैयारी मंथली मैगजीन से कहीं ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। चौथी बात यह कि आशीष ने अभी पोस्ट किया था एक वीडियो, आपको पता होगा, वो वीडियो था झटपट सीरीज का। झटपट सीरीज में क्या करेंगे आशीष, की जो भी एक्सक्लूसिव क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, जो भी इनसाइट्स के मैगजीन में आया था, विजन के मैगजीन में आया था, वो आपको 5 मिनट में पूरा कंप्लीट करा देंगे और डेली वीडियोस डालेंगे। तो आप जो झटपट सीरीज के लिए भी तैयार हो जाइए, 5-7 मिनट तो देने हैं, प्रिपरेशन करनी है बहुत अच्छी। आपको सबसे एज लेना, देखिए सीट जो है 100 घट गई है, EWS का रिजर्वेशन उधर अलग से आ गया है, तो कॉम्पिटिटिव होने वाला एग्जाम। अभी जो ये लॉकडाउन पीरियड का यूटिलाइजेशन है, ये 5वीं बात है, आपको बहुत अच्छे से करना है। आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, मोबाइल में ऐप लगा लीजिए, रिस्ट्रिक्टेड रखिए मोबाइल को, और जो करिए आप ये वीडियोस देखिए, पढ़ाई करिए। अब किन्हीं ने पूछा और यूट्यूब चैनल, मैं जो किसी से दुश्मनी नहीं है, ओनली IAS बिल्कुल देखिए, बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है। उसके अलावा कुछ आई थिंक एग्जाम मेड इजी वगैरह भी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, तो उनका भी यूटिलाइजेशन करिए। अब मैं डेली हिंदू नहीं डालता आपको, लेकिन डेली हिंदू अगर आधे घंटे में मिल जाता है तो प्लीज़ यूटिलाइज दैट ना। एक मैंने पूरी स्ट्रैटजी वीडियो डाली हुई है वहाँ पे, बल्कि सब बताया कहाँ कहाँ से करना है, तो वो आप स्ट्रैटजी वीडियो देख लीजिए थोड़ा सा सर्च करके नीचे, ये कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा शायद। और लास्ट बात ये, एक और बात ये कि पॉलिटी की जो सीरीज़ है मैंने आपको प्रॉमिस किया था पूरा कराया है, तो आप पॉलिटी की सीरीज़ को प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट क्लीन कर दी गई है, वहाँ से डायरेक्ट प्लेलिस्ट से देखिए और 2 से 3 बार देख लीजिए, ताकि आपका वहाँ पे एग्जाम में कोई इशू ना हो। और मैं दूसरा प्रॉमिस आपको ये करता हूँ कि प्रॉमिस तो नहीं कहूँगा लेकिन भरोसा दिलाता हूँ कि 20 तारीख तक टारगेट है, क्योंकि अभी सोसाइटी का PDF आना बाकी है, एनवायरनमेंट का आना बाकी है, और इकोनॉमी में काफ़ी कुछ होता है, तो वो बचा हुआ है, IR बचा हुआ है, तो ये सारा आर्ट एंड कल्चर करते करते 20 तारीख तो जाएगा, लेकिन 20 तारीख तक आप वीडियोस करते रहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन साथ में होती रहे। ये नहीं कि 20 को शुरू करना है आपको, देखिए आपको बिल्कुल एक रेडीमेड मटेरियल बन रहा है, मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव, तो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करिए, जाने मत दीजिए अपने हाथों से। 31 मई को शाम को 5 बजे आपके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, बस इतना ही, इतनी ही कोशिश है। और एक बात कि आपको लगे कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, कभी कभी रात में मैं बहुत थक जाता हूँ, मैं 2 रात से सोया नहीं था, पिछली 4 रातों से मैं से मतलब 2-2 रात नहीं सो रहा, दिन में भी जगा रह रहा हूँ, तो आवाज़ थक जाती है ना, किसी के लिए नेचुरल है। तो अगर आपको लगे कि स्लो हो रहा है तो प्लीज़ स्पीड को बढ़ा लीजिए। वीडियो लेंथ बड़ी भी है 50 मिनट, तो क्या आप उसको 1.5 पे देख लो, 2 पे देख लो, 25 मिनट कर लो, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। एक और ये सजेशन रहेगा कि जैसे जैसे आपके टॉपिक पूरे होते जाएं, आप प्लीज़ टेस्ट लेना शुरू करिए, सेक्शनल हो, फुल हो, और घबराइए मत अपने मार्क्स से। और लगे कि बहुत घबराहट हो रही है, जैसे किसी के 30-20 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो आप 5-5 करके क्वेश्चन करिए, ऐसे भी देने में कोई बुराई है नहीं है, डोंट वरी। और मैं आपको एक अलग से इंट्यूशन कैसे डेवलप करें, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, कि आपको कभी कई बार न जानते हुए भी आंसर आ जाए, इसके लिए मैं अलग से चाहो तो आप वीडियो बना दूंगा, आप इसको मुझे कॉमेंट में बता दो चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर ये कि आज जो है हम अपना स्पेस वाला जो इशू है विजन से फिनिश कर लेंगे, जब हम स्पेस वाला इशू जो फिनिश कर लेंगे तो हमारे 21 पेजेज हो जाएंगे। अब ये डॉक्यूमेंट 75 पेज का है, 21 कर लिया तो ऑलमोस्ट 1/3 हो गया, और 1/3 से मैं इसको ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्पेस में डेटा वाली चीज़ों में IT में ही प्रॉब्लम होती है, बाकी जो हेल्थ एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड आएगा, इनोवेशन जो किया गया साइंस में, वो बहुत ईजिली हो जाता है अवार्ड वगैरह, वो तो फैक्चुअल है। यहाँ पे समझाने की कोशिश थी कि होता क्या है, दिखना चाहिए आपको ताकि आपको चीज़ें याद रहें, तो यहाँ टाइम लग रहा है। अब ये फिर स्टेबल हो जाएगा जब 20-25 पेज हो जाएंगे, 1/3 हो गया तो आपको हो जाएगा चलो लाइन पे है, इसको मैं तो कंप्लीट कर ही दूंगा, तो उसी बीच में मैं IR उठा लूँगा और इकोनॉमी को आगे प्रोसीड करूँगा। आर्ट एंड कल्चर देखिए कम इंपॉर्टेंट है, मुझे व्यूज़ की तलाश नहीं है, आर्ट एंड कल्चर को मैं पीछे लूँगा, व्यूज़ उसमें भी आएंगे आप देखोगे, लेकिन आर्ट एंड कल्चर से करंट के कम क्वेश्चन आते हैं। प्लीज़ नितिन सिंघानी उठाइए, आर्ट एंड कल्चर लास्ट में करूँगा मैं, आपकी भलाई चाहता हूँ अपनी नहीं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो है हमारा, इसको 20-25 पेज जब कर लेंगे तो 1/3 हो गया, फिर हम थोड़ा साथ में IR लेके और इकोनॉमी लेके चलेंगे। IR में मैं क्या करूँगा कि आपको मैपिंग एकदम इतनी स्ट्रांग करा दूंगा, और IR का मैं आपको फाउंडेशन दूंगा कि एग्जैक्टली इंडिया चाइना का रिलेशन ऐसा है तो क्यों है, कैसे है, सब कुछ बताऊँगा, ताकि आपका मेंस भी निकले, मेंस में क्वेश्चन आए तो वहाँ आप कर पाओ। खाली प्रीलिम्स निकाल के क्या करना है, शादी करवानी है, दहेज लेना है, नहीं ना, आपको तो IAS बनना है,
तो मेंस कर पाओ आप, मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा और किसी से बात कर सको, आपको ये लगे कि कल को मैं इंडिया के अम्बेसडर से IFS से भी बात कर सकता हूँ, हाँ मुझे IR पता है, इस लेवल के IR की मैं आपको नॉलेज दूंगा, मैपिंग भी बिल्कुल स्ट्रांग करा दूँगा। किसी ने पूछा है एक भाई ने कि मैपिंग का क्या करें, तो मैपिंग का मैं अलग से लेक्चर लेना शुरू करूँगा और पूरे वर्ल्ड की मैपिंग आपको मैं स्टैटिक और डायनामिक, करेंट और स्टैटिक दोनों स्ट्रांग करा दूंगा काफ़ी अच्छी सी। आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, आपका काम होने वाला है, आप प्रीलिम्स क्लियर करने वाले हो, कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता। तो IR की बहुत ज़बरदस्त तैयारी है, इसीलिए मैं IR में अभी तक रुका हुआ हूँ कि उसमें बैकग्राउंड वर्क करूँगा, आपको एक ऐसा चीज़ परोसूंगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा, ठीक है? मुझे इत्मीनान से मैं आपको बता रहा हूँ, IR आपका बहुत स्ट्रांग करूँगा। अब जो है मैं ये वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूँ, ये 10 मिनट मैंने इसलिए लिए थे आपको दिलासा दिलाने के लिए, कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, चीज़ें ईजी हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आशीष को कर सकते हैं। अच्छा रहेगा कि यूट्यूब में ही कमेंट कर दें ताकि बाकी लोगों के भी डाउट सॉल्व हो जाएं और मैं वीडियो में कवर कर लूँगा। मैं आज रात या कल वो वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने आप को एक्टिव रखिए और अपने क्वेरीज वहाँ पूछ डालिए जो जो पूछने हैं, ठीक है? सो अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड मेकिंग द सब्सक्राइबर काउंट गो बियॉन्ड 1000। नाउ यू आर पार्ट ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली, जस्ट स्टे हियर। अब मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ अदर जो स्पेस रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ था वो। अब यहाँ पे 3-4 पेज हैं, इसमें चूंकि मैंने 10-11 मिनट तो ले लिया लेक्चर देने में, तो अब क्या करूँगा कि इस वीडियो को छोटा रख के नेक्स्ट वाले में फिर 2-3 पेज वो अलग कवर कर लूँगा, तो छोटे छोटे वीडियो बनेंगे ये। तो अदर स्पेस रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने शंकर में पहले ही पढ़ा था कि स्पेस एक्स जो है वो एक क्या बना रही है, स्टार लिंक नेटवर्क बना रही है इंटरनेट के लिए। तो उसको यहाँ पे डिटेलिंग किया विजन ने, अमेरिका की एक कंपनी है स्पेस एक्स जिसके कि मालिक हैं एलॉन मस्क, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने 60 सैटेलाइट अभी भेजे हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में, LEO में भेजा है, यही याद रखना है। और मैंने आपको सैटेलाइट की स्मॉल लार्ज सबकी डेफिनेशन बताई थी, जो 500 kg से कम का सैटेलाइट होता है उसको स्मॉल सैटेलाइट बोलते हैं। एलॉन मस्क ने स्पेस एक्स के अपने कंपनी के थ्रू लो अर्थ ऑर्बिट में 60 सैटेलाइट भेजे हैं, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में एक इंटरनेट हर जगह हो, इसकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की शुरुआत कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट को बोलते हैं स्टार लिंक नेटवर्क, और इसमें टोटल जो बनाएंगे, कितने कॉन्स्टेलेशन का सैटेलाइट बनाएंगे, कितने सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन बनाएंगे, 42,000। और इससे नॉन स्टॉप लो कॉस्ट, मतलब अफोर्डेबल एंड ऑलवेज अवेलेबल एंड एवरीवेयर ऑन अर्थ इंटरनेट की शुरुआत हो जाएगी। इसमें बीकन्स निकलते हैं, बीम निकलते हैं, और जो है वो कोऑर्डिनेटेड सिग्नल्स बैक टू अर्थ आते हैं। 350 से 1200 किलोमीटर दूर तक जाते हैं ये, ऑब्वियसली लो अर्थ ऑर्बिट में डाल रहा हूँ। और जिसके लिए बैंडिंग यूज़ की जाती है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कू का बैंड, दोनों के फ्रिक्वेंसी बैंड यूज़ किए जाते हैं। और इसका जो डेटा ट्रांसफ़र होगा, अगर आप ऑप्टिकल फाइबर का देखोगे, इंटरनेट जो होता है अर्थ में कैसे होता है, सी के बीच में लिंक होती है, वायर केबल लगी होती है, उनकी जो डेटा ट्रांसफ़र की रेट होती है, उससे जो होगा ये स्टार लिंक वाला नेटवर्क वो डबल स्पीड होगी, डिस्टेंस कितनी भी हो। स्पेस बेस्ड इंटरनेट, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, उसी का पार्ट है ना स्टार लिंक नेटवर्क। तो ओवरऑल स्पेस बेस्ड इंटरनेट क्या होता है, सैटेलाइट का यूज करके जो कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में रहते हैं, डेटा को रिसीव करना और सेंड करना, ये स्पेस बेस्ड इंटरनेट होता है। तो ऐसा नहीं है क्या स्पेस बेस्ड इंटरनेट पहले से नहीं था, नहीं, पहले से भी तो था, स्पेस बेस्ड इंटरनेट पहले से है, सैटेलाइट इंटरनेट ऑलरेडी एग्जिस्ट, स्पेस बेस्ड इंटरनेट इज मच फास्टर एंड हैज द एबिलिटी टू वर्क अक्रॉस द ग्लोब, टू मेक इट वर्क थाउजेंड्स ऑफ लो कॉस्ट सैटेलाइट्स आर डिप्लॉयड। जो लेकिन यह स्टार लिंक वाला नेटवर्क है उसमें थाउजेंड्स ऑफ लो कॉस्ट सैटेलाइट डालेंगे, अभी क्या स्मॉल सैटेलाइट बोला तो लो कॉस्ट ही होगा, वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करेंगे। लेकिन जो पहले जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे थे स्पेस बेस्ड, और ये वाला जो स्टार लिंक है, इसमें डिफरेंस क्या है कि पहले वाला जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे थे स्पेस से, उसमें आप जो सैटेलाइट डालते थे वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते थे। जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में 35,786 किलोमीटर की दूरी पर, ऑलमोस्ट 36,000 होता है, और उसको बोलते थे सैटेलाइट इंटरनेट, ठीक है। लेकिन ये जो एलॉन मस्क वाला है स्टार लिंक, इसमें जो सैटेलाइट डालेंगे कितने डालने हैं, 42,000, ये किस में डालेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में डालेंगे, और उससे कॉन्स्टेलेशन बनाएंगे। थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट ग्रिड लाइक पैटर्न में अरेंज्ड होंगे और आपस में एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करके पूरे वर्ल्ड को कवर कर लेंगे। पूरे वर्ल्ड को कवर कर लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, इमेज दिखा देता हूँ, ओके, ऐसा दिखेगा, देखिए एक चादर जैसे बिछ जाएगी पूरे वर्ल्ड में। आप पोल क्यों छोड़ दिया, पोल पे कौन रहता है ना, इसलिए छोड़ दिया। इससे जो है एक्सेसिबिलिटी बेटर होती है क्योंकि वो एनी टाइम चलता है, अफोर्डेबिलिटी होती है क्योंकि छोटे छोटे सैटेलाइट होते हैं, 24/7 अवेलेबिलिटी होती है, और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसको भी ये रिवॉल्यूशनाइज कर देगा। और लेकिन जो एरिया कवर करता है एक सैटेलाइट, वो छोटा एरिया कवर करता है, इसलिए तो हमें 42,000 लगाने की जरूरत पड़ रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है 2.4.2 ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नासा ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि नासा का एक प्लान है
कि वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग के फेनोमेना को अपने रिसर्च में यूज करेगा। करेगा क्या नासा? अभी आपको मैंने बताया था कि नासा जो है अपना जेम्स वेब टेलीस्कोप यूज करके वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन करता है अराउंड द ग्लोब, अराउंड द गैलेक्सीज, और एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करने के लिए, कॉस्मोलॉजी को स्टडी करने के लिए सिंपली नासा जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप का यूज़ करके स्टार वगैरह को देखता है। लेकिन नासा का अब ये कहना है कि स्टार कैसे पैदा हुए, स्टार की बर्थ कैसे हुई, उसको समझने के लिए अब हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इस प्रोग्राम को नासा ने बोला टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स का फुल फॉर्म क्या है? टारगेटिंग एक्सट्रीमली मैग्निफाइड पैनक्रोमैटिक, पैन मतलब हर जगह, क्रोमैटिक मतलब हर जगह रोशनी, लेंस्ड आर्क्स एंड देयर एक्सटेंडेड स्टार फॉर्मेशन। ये हर जगह काम करेगा ग्रेविटेशनल लेंसिंग, क्योंकि ये गैलेक्सी में जो बड़े बड़े ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टार वगैरह होते हैं, उनका एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। वो ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपने लाइट को भी मोड़ देता है। अगर वो लाइट को मोड़ दे तो किसी ना किसी तरह वो लेंस की तरह काम करेगा और उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट हुआ हमें बड़ा मैग्नीफाइड दिखेगा। तो ये टेम्पलेट प्रोग्राम इसीलिए टारगेटिंग एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड पैनक्रोमेटिक लेंस्ड आर्क्स एंड देयर एक्सटेंडेड स्टार फॉर्मेशन नाम दिया गया है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती क्या है? एक ये फिनोमेना होती है व्हेन ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर मतलब यहाँ पे मास है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मास हो, जैसे कि कोई मैसिव गैलेक्सी हो या फिर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी हो, उसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना, वो जो है डिस्टॉर्ट कर देता है लाइट को और मैग्नीफाई कर देता है उसके ऑब्जेक्ट जो उस लाइट के पीछे हैं, लेकिन उसकी जो लाइन ऑफ साइट होती है सेम होती है। समझ गया ना बात को? ग्रेविटेशनल फील्ड अगर किसी गैलेक्सी का या क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी का बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो लाइट को डिस्टॉर्ट कर देता है और उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनका एक मैग्नीफाइड इमेज दिखता है, लेकिन सेम लाइन ऑफ साइट में दिखता है। ये जो लार्ज सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं विल मैग्नीफाई द लाइट फ्रॉम डिस्टेंस गैलेक्सीज। ये दो लार्ज सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स हमने क्या बताया अभी, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज वगैरह, इसके पीछे जो बहुत दूर के डिस्टेंस गैलेक्सी में ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ से जो लाइट आ रही है उसको मैग्नीफाई कर देते हैं, और इससे हमें कहीं कोई स्टार बन रहा था या ख़त्म हो रहा था, गैलेक्सीज दैट आर एट द नियर और नियर द पीक ऑफ स्टार फॉर्मेशन, सॉरी जो कोई स्टार बन रहा था उसके पीक पे था, उसकी जो इमेज है बहुत मैग्नीफाई होकर हमें दिखती है, तो स्टार का बर्थ हमें इससे पता चलेगा। अभी यही कॉन्सेप्ट था। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है वो एक नेचुरल है, ना, आपने कोई शीशा थोड़े ना बनाया, नेचुरली गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल फील्ड से हो रहा है, कॉस्मिक है क्योंकि अंतरिक्ष की बात है, कॉस्मिक टेलीस्कोप है ये, जेम्स वेब तो हमने खुद बनाया है, ना, टेस्ट तो हमने खुद बनाया था, केपलर तो हमने खुद बनाया, एनीवे नेचुरल कॉस्मिक टेलीस्कोप है ये और ग्रेविटेशनल लेंसेज बोले जाते हैं इनको। एज ए रिजल्ट इसके फिनोमेना के थ्रू क्या होता है, गैलेक्सीज अपीयर मच मोर ब्राइटर देन दे एक्चुअली आर, बहुत उनकी रोशनी बढ़ जाती है, बड़े दिखते हैं और 50 टाइम्स ऑलमोस्ट मैग्नीफाई हो जाते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसका? एक तो गैलेक्सी की स्टडी करने की जो कि बहुत फार अवे है, ऐसी गैलेक्सी जो आप आंखों से देख नहीं सकते, छोड़ो आप स्पेस के टेलीस्कोप से नहीं देख सकते, वो भी ग्रेविटेशनल लेंसिंग से देखी जा सकती है। और दूसरी बात कि हमारे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा डार्क मैटर है, डार्क मैटर कोई लाइट एमिट नहीं करता, कोई लाइट अब्जॉर्ब नहीं करता खुद से, तो उसको आप डायरेक्टली तो देख नहीं सकते थे, लेकिन अब उस इनविजिबल डार्क मैटर को भी हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग के थ्रू देख सकेंगे और इसे पता चलेगा कि हमारे पूरे यूनिवर्स में डार्क मैटर कितना है। ये अपने स्टीफन हॉकिंग वगैरह का रिसर्च भी था। स्टार के फॉर्मेशन को समझना भी अभी बताया कि जब वो अपने पीक पे होगा फॉर्मेशन के तो उसकी जो इमेज है बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखेगी और हमें गैलेक्सीज में पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कितने स्टार डिस्ट्रीब्यूटेड और कब कब उनका जन्म हुआ है। अच्छा, हमारे ये पास्ट को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे हम, ये कैसे होगा? देखिए, आज जो अपना मिल्की वे देख रहे हैं उसमें एक साल में लगभग सन के बराबर का एक तारा बनता है। पास्ट में लेकिन ये रेट बहुत ज़्यादा थी, 100 times, मतलब कि उसमें एक साल में 100 sun जैसे स्टार बन जाते थे। तो ये जो रेट है टाइम के साथ घटी है। अब ये रेट जो है टाइम के साथ घटने की आप इसको पता है, आपको पता है, और अगर आप इस रेट से कंपेयर कर लेंगे और ग्रेविटेशनल लेंसिंग साथ में लगा देंगे तो ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग का यूज़ करके आप साइंटिस्ट जो हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स पास्ट में देख सकते हैं कि इस टाइम पे कौन कौन तारा बना था, उस समय पे रेट इतनी थी तो इतने गैलेक्सी होने चाहिए, और जो है हमारा सन का फॉर्मेशन भी हम उस हिसाब से समझ सकते हैं। देखिए ऐसा होता है, एक यहाँ पे पीछे देखिए गैलेक्सी है, ये डिस्टेंस गैलेक्सी है जिसको हमें देखना है, वहाँ से लाइट आ रही है ना। बीच में गैलेक्सी के ढेर सारे गैलेक्सी के क्लस्टर हैं, उनका ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा है, तो ये वहाँ से निकले हुए लाइट को देख रहे हैं आप, डिस्टॉर्ट कर दे रहा है, डिस्टॉर्टेड लाइट रेज हैं ये, यही जो डिस्टॉर्शन हो रहा है, यही जो लेंसिंग हो रही है, इसी को हम लेंस्ड गैलेक्सी इमेजेस बनते हैं यहाँ पे, इसी को ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं। आप क्लियर हो गया ना आपका कॉन्सेप्ट? मैं अभी यहाँ दोनों यही टॉपिक बोलना चाहूँगा क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी आए हैं रिलेटेड अंतरिक्ष वगैरह से
स्पेस वगैरह से, तो अलग से कवर करना, तो ये ऑलरेडी 19 मिनट का वीडियो हो गया है। तो मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दूंगा और ये जो है नेक्स्ट के 3.5-4 पेज मैं आपको अलग से एक वीडियो में करा दूंगा, भले वो 30 से 40 मिनट का हो जाए। और इसके साथ जो है हमारा स्पेस का इशू खत्म हो जाएगा और हमारे विजन IAS के हम चले जाएंगे पेज नंबर 22 पे, जहाँ पे ITN कंप्यूटर देखना है। ये एक थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, उसके बाद सारे टॉपिक मक्खन है एकदम, सारे जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बाकी 3-4 पेजेज जो है स्पेस वगैरह के फिनिश करके 21 पे पहुंच जाएंगे और IR की शुरुआत आज रात या कल से मैं कर दूंगा। अभी मैं थोड़ी देर में नेक्स्ट वाला भी अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ और लाइक करिए, और प्लीज़ कॉमेंट भी करिए। लाइक से मुझे ये पता चलता है कि आपने लाइक किया कि नहीं किया, कॉमेंट से आपको मुझे ये पता चलता है कि आप लोग इन्वॉल्व हो कि नहीं हो, बात करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। फैमिली बोला है तो बात तो करनी पड़ेगी, है ना। बाद में ग्रुप वगैरह भी बना देंगे UPSC कॉरिडोर के एस्पिरेंट, वहाँ पे आके हम डायरेक्टली बात करेंगे, फ्रेंड्स करेंगे, गेट टुगेदर भी कर लेंगे, सब कुछ होता है, ठीक है, कोई वर्चुअल वर्ल्ड नहीं है। चलिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए, ये वीडियो करने के बाद नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आ रहा है, बने रहिए हमारे साथ UPSC PSC कॉरिडोर पे और अपने प्रीलिम्स की तैयारी करिए और क्रैक करिए 125 मार्क्स से रंगों में अपने UPSC प्रीलिम्स को। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और इंडियन सिविल सर्विसेज दोनों को क्वालिफाई कर लीजिए। तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ मैं। डेली मुंबई, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।